ये एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा है, जीवन धारा। कार्यक्रम जीवन धारा सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। आइए आपको इस 30 मिनट में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज बच्चे कहानी सुनेंगे, कहानी के बाद एक गीत और फिर कार्यक्रम के अंत में पवित्र शास्त्र यानी बाइबल से परमेश्वर का वचन होगा। तो श्रोताओं, आइए बच्चों की कहानी सुनने से पहले इस गीत को सुनते हैं।
जीवन है जीवन तेरा, तुझसे मिला है प्रभु मन मेरा। हम न छोड़ेंगे दामन तेरा, हम न छोड़ेंगे दामन तेरा, हम न छोड़ेंगे दामन तेरा, तुझसे मिला है प्रभु मन मेरा। हम न छोड़ेंगे दामन तेरा, हम न छोड़ेंगे दामन तेरा, हम न छोड़ेंगे दामन तेरा। प्यारे बच्चों, आपको ग्लैडिस आंटी का नमस्कार। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूं, इसका शीर्षक है लोभ का कीड़ा। किसी गांव में एक धनी किसान रहता था। उसने अपने खेत में काम करने के लिए कई मजदूर रखे हुए थे। उनमें से कुछ को उसने थोड़ी जमीन भी दे रखी थी, जिस पर वे अपनी मर्जी से फसल बोते थे। उसकी पूरी उपज उस मजदूर को ही मिलती थी। इन्हीं मजदूरों में एक ने किसान की मिली जमीन पर अंगूर बो दिए। इनमें जब अंगूर आए तो वे बहुत मीठे थे। अंगूर की पैदावार इतनी ज्यादा हुई कि वह कुछ अंगूर बाजार में बेचकर कमाई भी करने लगा। उसने सोचा, यह सब किसान की मेहरबानी से हासिल हुआ है, इसलिए उसने एक टोकरा अंगूर किसान को भेंट किया। इतने मीठे अंगूर खाकर किसान को लालच आ गया। उसने सोचा, क्यों न मजदूर से वह जमीन वापस ले ली जाए और उसके बाद उसे दूसरी जगह जमीन दे दी जाए। इस प्रकार सारे अंगूर और उसकी बेले अपनी हो जाएगी। उसने ऐसा ही किया। अब वह किसान अपने मजदूर की मेहनत से लगी हुई अंगूर की बेलों की दिन रात देखभाल करने लगा। वह उसे खूब खाद पानी देता, लेकिन अंगूर की बेले विकसित होने की बजाय और मुरझाने लगी और कुछ ही दिनों में वे पूरी तरह सूख गए। एक दिन वह खेत में उदास बैठा हुआ सूखे अंगूर की बेलों को निहार रहा था। उसी समय कहीं से एक फकीर वहां आया और उसने किसान की उदासी का कारण पूछा। किसान ने उसे पूरा वृत्तांत सुनाया और कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वही खेत, वही बेले, खाद पानी पहले से ज्यादा, फिर भी बेले सूख क्यों गई। इस पर फकीर बोला, बेटा, अब इन बेलों में कभी अंगूर नहीं आएंगे, क्योंकि इनकी जड़ों में लोभ का कीड़ा लग चुका है। लोभ में आकर तुमने मजदूर की मेहनत का फल मुफ्त में लेना चाहा। यह उसी का परिणाम है। इसके बाद किसान ने उस मजदूर से माफी मांगी और उसकी जमीन वापस कर दी। तो प्यारे बच्चों, अपने को हर प्रकार के लोभ से बचा कर रखना, चाहे वह कितना छोटा भी क्यों न हो, और इस कार्य में परमेश्वर आपकी मदद करेगा। आप मुझे पत्र लिखकर जरूर बताना कि परमेश्वर ने आपकी कैसी मदद की। मैं आपके पत्र का इंतजार करूंगी। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो का जीवन धारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। यदि आप यीशु के जीवन और उनकी शिक्षाओं या फिर स्वास्थ्य विषय पर पत्राचार द्वारा अध्ययन करना चाहते हो, तो हमें इस पते पर लिखें, वॉइस ऑफ प्रोफेसी, 11 हेली रोड, नई दिल्ली 110001, इंडिया। श्रोताओं, इससे पहले कि हम परमेश्वर का वचन सुने, आइए ये गीत सुनते हैं।
जीवन की रोटी मसीह है, आकाश से वो आई, जग में जीवन लाई। जीवन की रोटी मसीह है, आकाश से वो आई, जग में जीवन लाई। जीवन की रोटी मसीह है। बुलाए फिक्र प्रभु को उनकी लगी थी पास बुलाए। जीवन की रोटी मसीह है, आकाश से वो आई, जग में जीवन आई। जीवन की रोटी मसीह है। से नियारा भूखे प्यासे का सहारा, प्यार प्रभु का सबसे नियारा, भूखे प्यासे का सहारा। बंदे प्रभु के पास तू आ जा, पास आ जा भूख मिटाने। बंदे प्रभु के पास तू आ जा, पास आ जा भूख मिटाने। जीवन की रोटी मसीह है, आकाश से वो आए, जग में जीवन लाए। जीवन की रोटी मसीह है, आकाश से वो आए, जग में जीवन आए। जीवन की रोटी मसीह है। प्रिय रेडियो मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आपको भाई मॉरिस माधो का नमस्कार। मित्रों, हम चर्चा कर रहे हैं डर के बारे में। डर क्या है? डर एक भयंकर चीज है जो मनुष्यों को परेशान करके रख देती है। आज हम देखेंगे डर और चिंता के भयंकर परिणाम क्या होते हैं। एक पुरानी कहावत है कि मृत्यु एक शहर में प्रवेश करने वाली थी। एक व्यक्ति ने उसे रोककर पूछा, तुम क्या करने जा रही हो? मृत्यु ने उत्तर दिया, मैं 10,000 लोगों को मारने जा रही हूं। वो व्यक्ति शहर के
जितने लोगों को चेतावनी दे सकता था उतने लोगों को उसने चेतावनी दी। अगले दिन उस व्यक्ति की भेंट मृत्यु से पुनः हुई और उसने फिर उससे कहा, तुम कह रही थी कि तुम 10,000 लोगों की जान लेगी, किंतु कल 70,000 लोग मर गए। मृत्यु ने उत्तर दिया, मैंने केवल 10,000 ही को मारा, दूसरे लोग तो चिंता और भय के कारण मर गए। मेरे मित्रों, आज हम देखते हैं दुनिया में कि बहुत से लोग चिंता भय के शिकार हैं और वो बीमार हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, उन्हें परमेश्वर की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर कहता है, मेरे पास आओ, तुम्हारे बोझों को लेकर मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, मैं तुम्हें ताकत दूंगा। फिर प्रभु कहता है, डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मेरे मित्रों, कुछ दिन पहले एक महिला ने मुझे ये बताया कि उसने अपने परिवार में किसी को अधिक उम्र का होने के बाद मरते नहीं देखा। सभी 60-70 में परलोक सिधार गए। इस स्थिति के पीछे कई एक संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है, किंतु यदि डर और चिंता उस परिवार में लोगों को लंबी आयु तक नहीं पहुंचने देते थे तो इसमें कोई संदेह नहीं। लेखक और वचन के ज्ञाता आर वी टास्कर अपनी एक पुस्तक में लिखते हैं कि सच पूछा जाए तो चिंता जीवन को बढ़ाने के बजाय घटा सकती है। आए दिन रक्तचाप, हृदयघात, हृदय गति रुकने से मृत्यु और किस कारण से होती है। सीमा ने अपने किशोर अवस्था के दो बालकों के विषय में चिंता करने के कारण अपनी नींद खो दी थी। उसे छाती में दर्द और श्वास में तकलीफ के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया और मालूम हुआ कि रक्त किसी स्थान पर गाढ़ा होने लगा है। एक सप्ताह तक चिकित्सक और निरीक्षक चिकित्सा के पश्चात आज 2 वर्ष बाद भी उसे औषधि की सेवन करना पड़ रहा है। मेरे मित्रों, यह कितनी भयानक बात है। चिंता इंसान को कहां तक ले जाती है और पीड़ित कर देती है। डॉक्टर मैकमिलन अपनी पुस्तक रोग पर विजय में ऐसी और कई बीमारियों के संबंध में वर्णन करते हैं जो चिंता के कारण होती है। उदाहरण के लिए पेट के अल्सर, सिर दर्द, चर्म रोग आदि। कभी कभी चिंता के पीछे छिपी हुई कुछ भावनाएं होती है जो अपने आप को धिक्कारने, हीन और ठुकराए जाने और आत्मग्लानी की होती है। यह हमारे जीवन में तनाव उत्पन्न कर सकती है। अपने जीवन में ऊंचाई तक पहुंचने वाली पीड़ादायक इच्छा को पूरा नहीं होने पर आत्मग्लानी उत्पन्न होती है। यह हमारी तमाम समस्याओं की जड़ है। प्रायः इसी के कारण कुछ लक्षण उत्पन्न होते दिखाई देते हैं। शैतान दोषी ठहराए जाने की भावनाएं और आत्मिक निराशा हमारे मन उत्पन्न कर सकता है और इसके लिए परमेश्वर जिम्मेदार नहीं होता। इस शताब्दी के आरंभ में अधिकांश बीमारियों के लिए बैक्टीरिया को जिम्मेदार माना जाता था, किंतु अब 80% बीमारियों का कारण तनाव बताया जाता है। चिंता, डर की भावनाएं जो दबाव, स्ट्रेस या तनाव, टेंशन को उत्पन्न करती है। तनाव को आंशिक रीति से बहुत सी बीमारियों जैसे हृदय रोग, कैंसर, सर्दी जुकाम, अल्सर के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। हमारे जीवन में आने वाले दबाव से यदि हम उचित रीति से नहीं निपट रहे हैं तो कार और लोगों के प्रति अरुचि, किसी बात पर ध्यान केंद्रित ना कर पाना,
छोटी सी बात को एक बड़ी समस्या के रूप में देखना, कोई भी निर्णय लेने में असमर्थ और असहाय होने और असहीन होने की भावना आदि देखी जा सकती है। दबाव के दूसरे परिणाम पाचन क्रिया में गड़बड़ी, भूख न लगना दूसरे लक्षण हो सकते हैं। डर और चिंता के कारण निम्नलिखित लक्षणों में से कुछ या सभी लक्षण हमारे जीवन में हो सकते हैं। मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि आज दुनिया में बहुत से व्यक्ति हैं जिन्हें नींद नहीं आती, हमारी नींद में दखल होने लगता है, हर समय कुछ ना कुछ डर लगा रहता है। तनाव रहित होते ही हम आत्मग्लानी महसूस करते हैं, हर बात के लिए दूसरे पर दोष लगाते हैं, कुछ स्थितियों में घबरा उठते हैं। ऐसी स्थिति हमारे मन का विभाजन कर देती है, हमारे शक्ति को कम करती है, दूसरों के साथ हमारे संबंधों को प्रभावित करती है। हम गलत निर्णय ले लेते हैं, हमारी शांति चली जाती है। एक डॉक्टर ने कहा है, डर के कारण मानसिक समस्याएं, नींद न आना, प्रार्थना में दबाव, गवाही देने में बंधन का महसूस किया जाना एक स्वाभाविक बात है। मेरे मित्र, आज हम दुनिया में देखते हैं कि लोग, आज पूरा मानव समाज त्रस्त है, घबराया हुआ है, डरा हुआ है। उसका क्या इलाज है? उसका इलाज हम बाइबल में देखते हैं। थिस्सलुनीकियों 5:17 में बाइबल कहती है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। बाइबल क्यों कहती है कि हम निरंतर प्रार्थना में हमें लगे रहना चाहिए? इसका मतलब ये नहीं है कि हम घर छोड़कर केवल प्रार्थना करें, अपने कार्य को छोड़कर हम प्रार्थना करें, लेकिन बाइबल हमसे कहती है कि हमें परमेश्वर को पुकारना चाहिए कि वही हमें इस बंधन से छुड़ा सकता है। प्रेरित पौलुस कह रहा है, निरंतर प्रार्थना करने का अर्थ है जिस प्रकार हम निरंतर श्वास लेते हैं लगातार, लेकिन कई बार ध्यान ना देते हुए भी हम श्वास लेते हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर को श्वास की जरूरत है, उसी प्रकार हमारे आत्मिक शरीर प्रार्थना रूपी श्वास के लिए बनाए गए हैं। मेरे मित्रों, परमेश्वर चाहता है कि आप प्रार्थना करें। प्रार्थना से आपके विरोधी शैतान आपसे दूर भागेगा, परमेश्वर आपके स्पष्ट करेगा, आपकी हर एक चिंताओं को, बोझ को अपने ऊपर लेगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम आज तेरे पास आते हैं और प्रभु तुझसे विनती करते हैं कि हमें इन सब बोझों से तू बचा कर रख। ये चिंताएं, ये बीमारियां, महान परमेश्वर, कठिन बातें, हमारे ऊपर बोझ, इस सब को तू हमारे जीवन से निकाल दे। और हम चाहते हैं कि हम घुटने के बल गिरे और निरंतर तुझसे प्रार्थना करते रहे, क्योंकि हम जानते हैं खुदावन कि इसका उत्तर केवल प्रार्थना है और तू हमें हमेशा मदद देने के लिए तैयार है। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आप हमें इस नंबर पर कभी भी किसी भी समय फोन कर सकते हैं, प्रार्थना करवा सकते हैं। मेरा नंबर है 9689231702, 9689231702। मेरा ईमेल आईडी है morrisawr@gmail.com, morrisawr@gmail.com। आप हमारे कार्यक्रम को ऑनलाइन में भी सुन सकते हैं। हमारा पता है AWR हिंदी एशिया। इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। फिक्री प्रभु को उनकी लगी थी पास बुलाए, जीवन की रोटी मसीह है, आकाश से वो आई।
जग में जीवन लाए, जीवन की रोटी मसीह है। सबसे न्यारा भूखे प्यासे का सहारा, प्यार प्रभु का सबसे न्यारा भूखे प्यासे का सहारा। बंदे प्रभु के पास तू आजा, पास आजा भूख मिटाने। बंदे प्रभु के पास तू आजा, पास आजा भूख मिटाने। जीवन की रोटी मसीह है, आकाश से वो आए, जग में जीवन लाए। जीवन की रोटी मसीह है, आकाश से वो आए, जग में जीवन आए। जीवन की रोटी मसीह है। उम्मीद करते हैं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। आपको कार्यक्रम कैसा लगा अवश्य लिखें। हमें आपके पत्रों का इंतजार रहेगा। हमारा पता है, कार्यक्रम जीवन धारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्ट बॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया। श्रोताओं, अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। इसी समय इस मीटर बैंड पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे।